कफ़ एंड कोल्ड के लिए बहुत ही असरदार होममेड रेमेडी शेयर कर रही हूँ। सो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, मैंने आधा चम्मच काली मिर्च यानी कि 20-25 दाने और 8-10 लौंग और एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके ले लिया है दालचीनी। इन तीनों चीज़ों को तवे पर मैं रोस्ट कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है। सीजन जब भी चेंज होता है, आप देखते होंगे आपके घर में छोटे बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, उन्हें सर्दी खांसी होने लगती है, और मैं अक्सर अपने बच्चों को बाज़ार से यानी मेडिकल स्टोर से सिरप ला करके ही पिलाती थी। इस बार मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि मैं इरिटेट हो चुकी थी दवाई दे करके। सो मैंने उसको कई दिनों से लौंग रखने के लिए मुंह में बोला था, कभी दालचीनी, तो खांसी उसकी तत्काल बंद हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे बनाऊं। फिर मैंने इस पर थोड़ा सा गूगल किया, बेनिफिट्स इसके देखे, और फिर जाके ये रेडी मैंने इसे बनाया। तो जो बनाया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे रोस्ट करके और पाउडर बनाने के बाद इसमें लिया है हनी, बहुत ही थोड़ा सा हल्दी, काला नमक, और ये लिया है रोस्टेड मसाले। और ये उतना ही बनाना है जितना कि आपको जितने लोगों को पीना है, इसे ख़त्म कर लेना है। ग्रेट किया हुआ अदरक लिया है, लेकिन इसे छन्नी में डालकर इसका जूस निकाल लेंगे। सो इसको बना करके आपको रखना नहीं है, आप इसे बना लें। पाउडर, रोस्टेड पाउडर सिर्फ आप बना के रख सकते हैं, और बाकी की चीज़ों को जैसे कि शहद लिया और ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट उसमें मिला करके आप फटाफट से घर में जितने लोगों को भी सर्दी खांसी जुकाम लगा हुआ है आप एक चम्मच पिला दें। आप दो टाइम दे सकते हैं, एक छोटा चम्मच दिन में और एक छोटा चम्मच आप सोने से पहले इसे पिला सकते हैं, बड़े हो, बुजुर्ग हो, या जिनको भी हुआ हो। सो ये आप ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप आगे भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।